फिर से मैं न्यू रिकॉर्ड लेकर आ गई हूँ। आप देख रहे हो हम आए हैं 56 भोग पे आए हैं। ये फूड हब है, यहाँ एक और है सराफा करके, बट वहाँ नाइट में ओपन होता करके हम नहीं आ पाए हैं। अभी हम यहाँ आए हैं। देखिए कितने सारे स्ट्रीट फूड हैं, आप कुछ भी खा सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप वो देख सकते हो। एक एक करके हम सारे स्टॉल पर जाएंगे जो हमको खाना रहेगा। गुपचुप खाना है, इधर दिखा तो तुम भाई, गुपचुप खाना है, राइस पतासे, दही बड़ा। अच्छी जगह लग रही है मुझे तो, ये आइसक्रीम है, कुल्फी है। बहुत सारे काफी सुंदर सुंदर हैं स्ट्रीट फूड जो आप खाना चाहते हो आप। मैं आई हूँ 56 पे, यहाँ पे पूरा स्टॉल जो लगा हुआ है, स्टॉल उसका सबका नंबरिंग भी है, 21 22 आप देख रहे हो। अभी हम खुद भी ट्राई नहीं किए हैं, करेंगे शायद तक। मैं दाबेली या पाव भाजी कुछ खाऊं, यहाँ पे समोसे बड़े भी दिख रहे हैं। थोड़ा आगे चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे शिकंजी भी है, अगर आप पीना चाहते हैं तो पी सकते हैं। ये गुच्छुप के कलर कुछ अलग दिख रहे हैं मुझे, फॉर पानीपुरी लवर्स। स्पेशल छोले कुलचे भी है उस तरफ, वाओ मोमो भी है। वाओ मोमो पान है जो कि बहुत फेमस है, ये हम जहाँ रहते हैं हैदराबाद पे वहां पर भी ये है। अभी देखते हैं कि हम और क्या क्या खा पाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ है। देखेंगे आगे और क्या खा पाते हैं। ये स्ट्रीट फूड का एक कलेक्शन है, 56 नाम दे दिए, 56 शॉप भी है और भी है। और ये फ्रेंचाइजीज है यहाँ पे, आई गेस एवरीवन हैविंग अ फ्रेंचाइजीज ओवर देयर। मोवा मोमोस, वीर रामेश्वर, मसाला डोसा, गुरुजी एंड ऑल, अमृतुल्य, अमूल, ये फ्रेंचाइजीज है। एक पार्क टाइप का, तो यहाँ पे फूड पार्क टाइप का ऑप्शन है। ये थोड़ा फूड पार्क से थोड़ा बड़ा है, अपने सिटी में भी फूड पार्क है बट लिमिटेड है। ये एक 56 बहुत बड़े एरिया पे बनाया गया है। अच्छा है, बहुत सारे खाने के ऑप्शन है, पार्किंग अवेलेबल है टू व्हीलर के लिए। यहाँ पे खाने के लिए बहुत सारे आपको आइटम मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो स्प्रिंग रोल, वेज लॉलीपॉप, आई थिंक ये वेज है या नॉन वेज, मुझे नॉन वेज है या पता नहीं, समझ नहीं आ रहा है। ये लास्ट है, ये है सांची पॉइंट। ये क्या है, हॉट डॉग, काला कुत्ता। यहाँ पे नारियल पानी है जिसको मैं पीऊंगी। आप भी पीना चाहते हो? हम यहाँ पे नारियल पानी का रेट पूछे तो हमको थोड़ा महंगा लगा, तो हम नहीं उसको लिए, और कुछ देखते हैं अगर खाने का मिल जाए तो। बाबू नारियल क्रश चाट पैलेस, रेस्टोरेंट ही रेस्टोरेंट है, जैन है, मुसरमा है। हाँ ये तो बड़ा रजिस्टर कॉमन है। कुल्फी फालूदा, अगर आप मीठा लवर है, कुल्फी लवर है, तो आप ये कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे सबसे अच्छा लगा कि बैठने के लिए प्रॉपर ऐसा बना दिया गया है परमानेंट, तो मुझे अच्छा लगा। पूरे पेड़ पौधों के बीच में बैठने से थोड़ा हवा भी अच्छा आएगा, बट गर्मी के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है शायद बारिश में भी, क्योंकि यहाँ पे जहाँ स्टॉल है सिर्फ वहीं पर ही ये लगा हुआ है पर्दा, बाकी जगह नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है, नहीं भी लग रहा है। ओके ओके है। यहाँ से खाया है संतोष फास्ट फूड बेवरेजेस से, यहाँ मुझे दाबेली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। अभी मैं एक ऑर्डर करी हूँ फ्राइड वेज फ्राइड राइस, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा लगेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दाबेली यहाँ का, और हमने नारियल क्रश भी पिया, वो भी ओके ओके था, अच्छा था, पूरा नारियल का ही टेस्ट। ये है वेज फ्राइड राइस जो ऐसा है।
ये हमारा लास्ट था, इसके बाद हम निकल गए थे गणपति टेम्पल। आप आगे ब्लॉग पर बने रहिए, आपको सब पता चल जाएगा। हम यहाँ पर आ गए हैं खजराना के गणेश मंदिर, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी अच्छा भी है। आप देख रहे हो, ये हम यहाँ से एंट्री ले रहे हैं गणपति जी के मंदिर। आगे जाएंगे आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे कुछ हो रहा है क्या? नो नो, कुछ और ही है। ठीक है, आप देख रहे हो बहुत बड़ा पार्किंग स्पेस है। ऐसा जगह बनाना चाहिए कोई भी तीर्थ स्थल पे, क्योंकि पार्किंग के लिए फैसिलिटी रहनी चाहिए, नहीं तो फिर हमको बहुत काफ़ी लंबा चलकर आना पड़ता है। ये भी बताया गया है कि ये अभी नया है। मैं पीछे तरफ जा रही थी, हमको जाना आगे है। ये देखो, ये भी कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चालू ही है। ये काफी पुराना मंदिर है ऐसा बोला जाता है। खजराना का गणेश टेम्पल है और यहाँ पे शिव भगवान की मूर्ति भी है, क्योंकि हम चढ़ चढ़ कर और गए हैं। यहाँ से एंट्री ले रहे हैं, यहाँ पे पूरा मगज का लड्डू, मोतीचूर का लड्डू है, क्योंकि गणेश भगवान को लड्डू बहुत पसंद है। तो यहाँ पे पूरा लड्डू का ही शॉप है, देख रहे हो। मैं आपको आगे और दिखाती हूँ। देखो, गणपति जी के लिए मोदक, बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं जिससे आप खरीद सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने भगवान जी के लिए लड्डू ले लिया है मोतीचूर का, और मैं साथ में ली हूँ दूबी, क्योंकि गणेश भगवान को ये काफी ज्यादा पसंद है, उनको और कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये काफी होता है। आप जो देख रहे हो कितना खूबसूरत लग रहा है मंदिर का नजारा, देखो पूरे यहाँ पे स्पेसेस है, अंदर से भी ये काफी ज्यादा सुंदर है। मैं आ गई हूँ भगवान जी के मंदिर, यहाँ पे मंदिर आ गई हूँ। यहाँ पे राम दरबार जी का मंदिर है, यहाँ पे और गणेश भगवान की छोटी मूर्ति है। जो मेन मंदिर है वो ये है, जहाँ हम दर्शन करने भी जाएंगे। और छोटे छोटे भगवान जी की मूर्ति स्थापित है यहाँ पर। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। हम यहाँ पर आ गए हैं भगवान राम जी के दरबार में। यहाँ पे राम सीता लक्ष्मण भगवान है। ये मुझे पता नहीं कौन सी माता है जो मगरमच्छ के ऊपर बैठी हुई है, नाम तो मुझे पता नहीं। अगर आपको पता हो तो बताइएगा कमेंट सेक्शन पे। जय भगवान जी, मुझे नाम बिल्कुल भी नहीं पता इनका, और यहाँ पे मेंशन भी नहीं किया हुआ है कहीं पे। हम गणेश भगवान जी के दर्शन करके आ गए हैं। यहाँ पे देख रहे हो भक्तों की भीड़, और हम दर्शन करके आके बैठ गए हैं, क्योंकि हमारा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मुझे तो बहुत नींद आ रही है, मैं तो बहुत थक गई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि ये गणेश भगवान जी का थोड़ा सा प्रसाद खा लूँ, जिससे मेरे को एनर्जी मिल जाए। आपको भी खाना है? सो जी को पसंद है, वैसे तुम्हारे शिव जी को भी पसंद है। मेरे शिव जी मतलब ये, इनको जितना मीठा दे दो उतना कम रहता है। आप देख सकते हो ये प्योर घी का बना है, ऐसा बोलते हैं, पर होता कुछ नहीं है, तो इतने कम में कहाँ मिलता है ये। और यहाँ हम आ गए हैं इंदौर के मॉल, जो भी न्यू ओपन हुआ है। यहाँ का पार्किंग चार्ज 200 रुपीज है अभी, क्योंकि न्यू है। यहाँ पे हैंगर कितना सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे अभी नए नए स्टोर हैं, फॉरएवर न्यू, स्टारबक्स भी है। वैसे तीन फ्लोर है, बहुत सामने से फ्रंट का लुक बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये शायद तक आर्टिफिशियल लग रहे हैं मुझे। और आपको जो मेन यहाँ का झूमर आपसे दिख रहा है, इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल, आपको देख कर ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमको तो सामने से बहुत ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा है। यहाँ पे तीन फ्लोर हैं, देखिए नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पर कितना सुंदर प्लांट्स को काट के ऐसे गोल राउंड पे बनाए गए हैं। यहाँ से शायद पानी निकलना चाहिए, पर अभी निकल नहीं रहा है वाटर।
मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। ये न्यूली है करके अभी बहुत अरेंजमेंट है सिस्टम अभी, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा है, एकदम क्लीन है। अभी बहुत सारे स्टोर है, लाइफ स्टाइल भी है, और मुझे जाना है शुगर कॉस्मेटिक के शोरूम, जिसको मैं जाऊँगी। अभी चल रहे हैं अभी ऊपर, अब हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। और यहाँ पे तीन फ्लोर है, बस फ्लोर कम कर दिए, एरिया बड़ा कर दिए, अच्छी बात है। यहाँ पे तो कुछ कुछ खाने का भी दिख रहा है मुझे, इनॉक्स है, इनॉक्स टिकट अवेलेबल। यहाँ पे सारे फ्लोर्स पे अलग अलग झूमर बोलते हैं, ये भी देखो कितना प्यारा बना हुआ है, अभी न्यूली क्रिएटेड है, इसलिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं हो पाता इनके लिए, पब्लिक भी वैसी होती है। हम कहाँ देख रहे हो, ग्राउंड फ्लोर पे कितना प्यारा बना हुआ है, सिर्फ डिजाइनिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। स्टेयर बना दिए हैं, यहाँ पे लैंप भी, जो लाइट स्ट्रीट लाइट जैसा होता है, वो सब चालू हो गया है। पिज़्ज़ा हट भी है, फैट टाइगर, नेल स्पा, जगह पे आ गए। मॉल बहुत ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे पूरा फूड स्ट्रीट फूड पार्क है, मसाला करी भी है, वाओ, चिकन चाइनीज मोमो सब है, काफ़ी सुंदर दिख रहा है मॉल। यहाँ पे देखो फिर नीचे बैक में जो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पे कितना प्यारा बना हुआ है, वाटर से सब तरफ प्लांट्स है जो कि आर्टिफिशियल हैं, मुझे अच्छा लगा मॉल। एफ सी भी यहाँ पे है,